दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से आया है, और वो है एक केस था 2018 में एशियन रीसर्फेसिंग रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें तीन जज के बेंच ने ये कहा था कि अगर हाई कोर्ट कोई भी स्टे ऑर्डर लगाता है बिना टाइम बाउंड दिए हुए, तो वो स्टे ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को स्टे और एक्सटेंड करने की जरूरत थी तो उसके लिए उसको कोर्ट में जाकर अपील करना होता था और फिर दोबारा से उस पर स्टे लगता था, और इसके कारण से कोर्ट का बहुत समय बर्बाद होता था और लिटिगेशन भी बढ़ती थी और परेशानियां भी होती थी और हाई कोर्ट को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पा रहा था। तो इन सबको संज्ञान में लेते हुए 5 बेंच के जज ने, जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भी थे और जस्टिस ओका हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा हैं और जस्टिस पंकज मित्तल हैं और जस्टिस पाटलीवाला हैं, इन सब ने मिलकर यह डिसीजन लिया कि अंडर आर्टिकल 142, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीजन लेने का राइट बनता है कि वो चाहे तो लोअर कोर्ट्स को कोई भी डायरेक्शन दे सकता है ऐसे, और उस डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये डायरेक्शन, इस तरीके का डायरेक्शन 142, आर्टिकल 142 के तहत नहीं आता है और हाई कोर्ट को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए उसके फंक्शनिंग में, और इससे उसको फायदा होगा कि हाई कोर्ट अब जब चाहे तब अपने सुविधा अनुसार जजमेंट्स ले सकता है, स्टे ऑर्डर दे सकता है, टाइम बाउंड भी कर सकता है। लेकिन अगर वो टाइम बाउंड नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, और उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट को फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाए। और इनफैक्ट जस्टिस मनोज मिश्रा ने यह कहा कि हाई कोर्ट को ऐसे ऑर्डर देने चाहिए ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहे, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकते हैं, जस्टिस जजमेंट आने में डिले हो सकता है, तो इस तरह के डिले को का डिसएडवांटेजेस पोजिशन क्रिएट करना लिटिगेंट्स के लिए सही नहीं होगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए बेंच ने कहा कि अब आप चाहें तो स्टे ऑर्डर बिना टाइम बाउंड किए हुए दे सकते हैं और 6 महीने के बाद उस स्टे ऑर्डर को एक्सटेंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, ये जजमेंट बहुत ही मायने रखता है समाज के लिए भी और जो लोग केस लड़ रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत बार इस प्रोविजन को साइट करते हुए बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया है लिटिगेंट्स का, इंक्लूडिंग कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा और कुछ जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा, एज वेल एज कुछ लॉ को मिसयूज करने वाले लोगों के द्वारा। इन सब बातों पे भी चर्चा हुई थी उस जजमेंट में। अगर आपको ये जजमेंट अच्छा लगे, हमारा ये चैनल, ये न्यूज़, ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।